वेलकम बैक जी को फिर से धमाकेदार वीडियो गाइस। इस वीडियो में क्लास 9th का आपका विज्ञान का पेपर जो है कंप्लीट करने वाले, तो गाइस आपको वीडियो के अंत तक बने रहना। चलिए फटाफट आपका जो पेपर है कंप्लीट कर लेते हैं। तो गाइस देख लीजिए कक्षा 9वीं विषय विज्ञान। तो गाइस यहाँ पर जो आपके जिला का जो है आपको ये जो सभी जिलों में देखने को मिलने वाला ये पेपर, क्योंकि गाइस जो है आपके जो क्वेश्चन है क्वेश्चन बाकी इधर उधर हो जाएंगे। देख लीजिए जो आपको विकल्प में क्वेश्चन है आपके जिले में जो है रिक्त स्थान में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो गाइस क्वेश्चन आपके सभी इसी पेपर से आएंगे। तो चलिए फटाफट इस पेपर को कंप्लीट कर लेते हैं। देख लीजिए कक्षा 9th और विज्ञान। गाइस हमने आपका जो इंग्लिश का पेपर डाला था पूरा वही फंसा। सभी जिलों में हमने सभी जिलों के पेपर मिलाए हैं, तो इस इंग्लिश का वही पेपर फंसा। अब आप जल्दी से विज्ञान का देख लीजिएगा। आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर जो है विज्ञान का जो है पेपर कंप्लीट कराइए। तो इस त्रैमासिक परीक्षा 2024 कक्षा 9वीं विषय विज्ञान, यहाँ पर पूरा अंक 75 नंबर का रहने वाला, समय 3 घंटे का। यहाँ पर आप अपने निर्देश वगैरह सभी को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन है, ये रहे आपके क्वेश्चन, देख लीजिए। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। तो सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखना जो कि 6 नंबर के। बर्फ का गलनांक कितना होता है? तो इस बर्फ का गलनांक होता है कितना होता है, 274.15 के या 237.? तो इसका करेक्ट आंसर आ ऑप्शन ही हो जाएगा। इसमें आपका 200 जो बर्फ का गलनांक होता है, तो इस क्वेश्चन को आपको अच्छे तरीके से याद करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको जो ये क्वेश्चन है विकल्प वाले क्वेश्चन आपको रिक्त स्थान में देखने को मिलने वाले हैं, और जो रिक्त स्थान है वो सही जोड़ियों में या असत्य में या एक वाक्य में। तो इसी तरह आपके क्वेश्चन का क्रम इधर उधर हो जाएगा, बाकी क्वेश्चन यही रहेंगे। तो गाइस अगर आपने तो वीडियो को लाइक नहीं किया यार, फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो गाइस दूसरा है निम्नलिखित में शुष्क बर्फ है, तो शुष्क बर्फ हो जाएगा CO2। इसमें शुष्क बर्फ CO2। इसके बाद है तीसरा है पदार्थ की किस अवस्था में किसी वस्तु एक निश्चित आकार स्पष्ट सीमाएं एवं नगण्य संपीड़ता होती हैं। तो इससे ठोसों में, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ठोस। इसके बाद है पदार्थ की वह अवस्था जिसमें द्रव का आकार नहीं परंतु आयतन निश्चित होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें द्रव, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है न्यूनतम विसरण गुण पाया जाता है किसमें, ठोसों में जो है न्यूनतम विसरण गुण ठोसों में पाया जाता है। इसके बाद है निम्नलिखित में उपधातु है, तो उपधातु हो जाएगा ब्रोमीन। तो इसी आपकी सही विकल्प कंप्लीट हो जाते हैं, फटाफट इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट जाते हैं रिक्त स्थान। देख लीजिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है यहाँ पर 6 नंबर के। चलिए फटाफट आपके रिक्त स्थान कंप्लीट कर लेते। पहला है कोलाइट विलयन द्वारा प्रकाश की किरणों का फैलना डॉट कहलाता है, क्या कहलाता है? यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा टिंडल प्रभाव। इसमें आपको लिख देना टिंडल, यहाँ पर टिंडल प्रभाव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें आपको पहले में क्या लिख देना है, टिंडल प्रभाव। इसके बाद है विलयन एक डॉट मिश्रण, कैसा? समांगी मिश्रण है। तो इसमें लिख देना है समांगी, समांगी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस दूसरे का हो जाएगा समांगी। इसके बाद है टिंडल प्रभाव डॉट डॉट विलयन द्वारा प्रदर्शित गुण है, तो इसमें हो जाएगा कोलाइड। तो चलिए इसका उत्तर यहाँ पर लिख देते हैं कोलाइड। इसमें सॉरी यहाँ पर गलती हुई है, यहाँ पर लिख देते हैं कोलाइड, लिख देना है कोलाइड, कोलाइड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कोई जल्दी से देख लीजिएगा, ये रहा आपका कोलाइड। इसमें आपको जो है तीसरे स्थान में लिख देना है। इसके बाद अधिकांश अधातुएं ताप एवं और विद्युत की डॉट डॉट होती हैं, कैसी? कुचालक होती हैं। तो इसमें लिख दीजिएगा कुचालक, कुचालक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, चौथा के बाद पाँचवा है। तो इसको चौथा के बाद पाँचवा देखेंगे। देख लीजिए ये रहा आपका पाँचवा, पाँचवा है यहाँ पर देख लीजिएगा। चलिए यहाँ पर देख लीजिए कोशिका का जो है पावर हाउस, कोशिका का पावर हाउस कहलाता है कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसमें लिख देना माइटोकॉन्ड्रिया, माइट्रो यहाँ पर लिख देना माइट्रो, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसमें हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया इसका करेक्ट आंसर, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि है, तो इसमें हो जाएगा स्टेपॉस। तो स्टेपॉस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्टेपॉस आपको इसमें लिख देना है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर आपके सत्तसत। चलिए फटाफट आपके सत्तसत कंप्लीट कर लेते हैं। देख लीजिए रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका की खोज की थी, तो इसी आपका असत्य हो जाएगा, नहीं की थी। तो इसी इसका असत्य हो जाएगा पहला। इसके बाद दूसरा क्लोरोप्लास्ट पादप कोशिका में पाया जाता है, तो इसी आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद है राइबोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं, तो इसी आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है केंद्रक में क्रोमोसोम होते हैं, तो इसी आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद बल का ऐसी मात्र न्यूटन है, तो इसी आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद है घर्षण वाला घर्षण बल सदैव वस्तु की गति का प्रतिरोध करता है, तो इसी आपका सत्य हो जाएगा। तो इसी आपके सत्य सत्य कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद सही जोड़ियों का मिलान कर लेते हैं। देख लीजिए सही जोड़ी बनाई 6 नंबर की है। पहला लेनिन युक्त कोशिका, लिग्निन युक्त कोशिका हो जाएगा यहाँ पर पहला हो जाएगा यांत्रिक सहाय। इसके बाद है पौधों में जल का परिवहन, पौधों में जल का परिवहन हो जाएगा जाइलम। इसके बाद है रक्त, रक्त का हो जाएगा संयोजी ऊतक।
इसके बाद है रंध्र, रंध्र का हो जाएगा पत्तियों की सतह। इसके बाद है प्रोकैरियोटिक कोशिका, तो गाइस इसमें हो जाएगा बैक्टीरिया। इसके बाद है पत्तियों में भोजन का परिवहन, तो गाइस फ्लोएम द्वारा होता है। तो गाइस ये आपकी सही जोड़ियाँ कंप्लीट हो जाती, फटाफट इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन पांचवा आ जाता है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द और एक वाक्य में आपको देना है। यहाँ पर 6 नंबर के देख लीजिए। पहला है न्यूटन के गति का तीसरा नियम, न्यूटन के गति का तीसरा नियम हो जाएगा वी स्क्वायर बराबर हो जाएगा, फिर हो जाएगा यू स्क्वायर, फिर हो जाएगा प्लस 2as। तो इसी आपका गति का तीसरा नियम हो जाएगा। इसके बाद है असमान द्रव्यमान की दो वस्तुएं ही इससे गतिशील हैं, किसका वेग अधिक होगा। तो गाइस यहाँ पर इसमें हो जाएगा हल्की वस्तु का, तो इसमें लिख देना हल्की हल्की वस्तु का, यहाँ पर हल्की वस्तु, यहाँ पर हल्की वस्तु का जो है वेग अधिक होगा इसमें। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर तीसरा, वस्तु द्वारा अपनी गति अवस्था में परिवर्तन के विरोध करने के गुण को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। तो इसमें लिख दीजिएगा जड़त्व, जड़त्व इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जड़त्व लिख लेना आपको इसके आंसर। इसके बाद है गति के द्वितीय नियम का समीकरण लिखिए, तो इस गति के द्वितीय नियम लिखना है। तो इस हमने आपको बार बार बताया है जो है इसके क्वेश्चन जो आपके रिक्त स्थान में भी आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो इस यहाँ पर जो आपके एक वाक्य के हैं वो आपको रिक्त स्थान में देखने को मिल सकते हैं। और इसके बाद जो है यहाँ पर इसमें लिख देना है ए टी स्क्वायर माइनस ए टी स्क्वायर, तो गाइस ये आपका जो है चौथा का आंसर हो जाता है। तो गाइस क्वेश्चन इधर उधर हो जाएंगे, बाकी क्वेश्चन यही रहेंगे। इसके बाद है क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल की दिशा में कार्य करते हैं, तो गाइस विपरीत दिशा में करते हैं, तो गाइस विपरीत लिख देना है। यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। यहाँ पर इसके बाद है 2 सेंटीमीटर से गतिशील 100 ग्राम द्रव्यमान की गेंद का संवेग कितना हुआ, तो इस संवेग इसका आंसर आपको स्वयं बताना है, इसका हल करके आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है, ठीक है। तो इससे ये आपके जो है पाँच जो छः 30 नंबर कंप्लीट हो जाती है पाँचवें क्वेश्चन तक। इसके बाद आ जाते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, तो इस यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न है तो दो दो नंबर के। चलिए ऊर्ध्वपातन को परिभाषित करना है, चलिए फटाफट ऊर्ध्वपातन का आंसर देख लेते हैं। तो इसी रहा ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं, तो इस ऊर्ध्वपातन वैसी क्रिया है जिसमें ठोस पदार्थ को गर्म करने पर वह बिना द्रव्य में बदले गैस अवस्था में परिणत हो जाए तथा गैस को ठंडा करने पर वह पुनः ठोस अवस्था में लौट जाए, तो इसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, छठवां का हो जाता है। इसके बाद है सातवां, आपका सातवां क्वथनांक को परिभाषित कीजिए, तो वही सातवां देख लीजिए क्वथनांक हो जाएगा, क्वथनांक हो जाएगा आपका किसी पदार्थ का क्वथनांक वह ताप है जिस पर कोई द्रव वायुमंडलीय दाब पर उबलना गैसीय अवस्था में बदलना प्रारंभ करता है, तो इसी आपका क्वथनांक हो जाएगा। तो इसी इसके बाद आ जाता है आपका जो है इसमें आ जाता है यौगिक से क्या समझते हो, तो इस यौगिक की परिभाषा लिखना, तो ये रहा आपका आठवां का उत्तर। तो इसे जब दो या दो से अधिक तत्व एक दूसरे से रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जुड़ते हैं तो एक नया पदार्थ बनता है जिसे यौगिक कहा जाता है, तो इसी आपका आठवां का उत्तर हो जाता है। इसके बाद नौवां देख लीजिएगा, नौवां है शुद्ध पदार्थ क्या है, तो इस शुद्ध पदार्थ की परिभाषा बताना, चलिए शुद्ध पदार्थ की परिभाषा देख लेते हैं। तो इसी रहा ऐसे पदार्थ जिनमें मौजूद सभी कण सामान्य रासायनिक प्रकृति के होते हैं शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं, तो इसे इतना आपको नौवें के उत्तर में लिख देना है। एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है, तो इसे इतना आपको जो है नौवां का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद दसवां देख लेते हैं, दसवां देख लीजिए कहाँ पर है, यहाँ पर देख लीजिए सभी अथवा वाले भी क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लेना, हम आपको एक एक क्वेश्चन कंप्लीट करा रहे हैं ताकि जो है आपके क्वेश्चन पूरे कंप्लीट इसी वीडियो में हो जाएं। देख लीजिए अति पराशरी बिलियन, तो इस अति पराशरी बिलियन देख लीजिए दसवां का उत्तर, तो इसे रहा आपका दसवां का, जल्दी से फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अति पराशरी हेडिंग डाल देनी है आपको, वह बिलियन जिसका पराशरण दाब दूसरे बिलियन से ज़्यादा होता है अति पराशरी बिलियन कहलाता है, इतना आपको लिख देना है। तो वैसे ये आपका दसवां का उत्तर हो जाता है। इसके बाद है ग्यारहवां देख लीजिए, गल्गी उपकरण के दो कार्य लिखना है, तो वैसे क्योंकि दो नंबर का तो दो कार्य लिख देना आपको, लिख लीजिए ग्यारहवां देख लीजिए गल्जी उपकरण और गल्जी कम्प्लेक्स के कोई कार्य हैं, तो इस पहला दूसरा, तो इस दो पॉइंट आपको देख रहे होंगे, दोनों के आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना दोनों पॉइंट। इसके बाद है आपका बारहवां देख लीजिए, आपको क्या करना है, बारहवां क्वेश्चन पूछ रहा है आपको एरियोलर ऊतक के दो कार्य लिखना है, तो इस एरियोलर ऊतक के दो कार्य, तो इसी रहा आपका बारहवां का उत्तर, जो है एरियोलर ऊतक के दो कार्य, पहला हो जाएगा यह त्वचा और मांसपेशियों को जोड़ता है और दूसरा हो जाएगा यह अंगों के बीच में रक्त के स्थान को भरता है, तो इसी आपका जो है ऊतक के दो कार्य हो जाएंगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बारहवां का। तेरहवां देख लीजिएगा,
13वां क्वेश्चन है आपका स्टोमेटा के दो कार लिखना है। तो इस स्टोमेटा के दो कार तो इस पे देख लीजिएगा, यहाँ पर स्टोमेटा के दो कार 13वां का उत्तर देख लीजिएगा। स्टोमेटा के दो कार हैं गैस का आदान प्रदान, दूसरा हो जाएगा बाष्पोजन की क्रिया में मदद करना। तो इस पॉइंट डाल के आपको लिख देना। इसके बाद 14वां क्वेश्चन में देख लीजिएगा गुरुत्वीय त्वरण किसे कहते हैं। तो इस गुरुत्वीय त्वरण 14वां का आंसर देख लीजिएगा। ये रहा गुरुत्वीय त्वरण की परिभाषा। देख लीजिए पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के चलते किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसे जी से जो है सूचित करते हैं। पृथ्वी सतह का मान जो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के लगभग है। तो इस इतना आपको लिख देना 14वां का आंसर। इसके बाद 15वां देख लेते हैं। पंद्रहवां जो है यहाँ पर नंबरिंग गलत हो गई है। यहाँ पर देखिए 15वां है एक समान और असमान गति को स्पष्ट कीजिए। तो इस एक समान और असमान गति को स्पष्ट करना, चलिए यहाँ पर 15वां है एक समान और असमान गति को यहाँ पर स्पष्ट करना। तो इस ए रहा इसका उत्तर जो है एक समान और असमान जो है इसमें लिखना आपको ऐसी गति जिसमें एक वस्तु समय के समान अंतराल में समान दूरी तय करती है और एक समान गति कहलाती है, जबकि वह गति जिसमें एक समान वस्तु समय के सामने अंतराल के समान दूरी तय नहीं करती उसे असमान गति कहलाती है। तो इस इतना आपको लिख देना, ठीक है। जो है वस्तु ए एक समान है और वस्तु बी असमान है। तो इस इतना आपको 15वां का उत्तर लिख देना। इसके बाद 16वां देख लेते हैं। 16वां जब कोई गतिशील बस अचानक रुकती है तो आप आगे झुक जाते हैं क्यों। तो जब बस अचानक रुक जाती है तो इससे आप झुक क्यों जाते हैं। तो इस देख लीजिएगा, ये रहा 16वां का उत्तर। जल्दी से आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए 16वां का आंसर का। अगर हम क्वेश्चन जो है आंसर अगर पढ़ के बताएंगे तो वैसे ये वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले चलिए। इसके बाद है 17वां संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। तो इसी रहा संवेग संरक्षण का नियम, देख लीजिए 17वां का उत्तर। जो संवेग संरक्षण का नियम है जब दो या दो से अधिक तो वस्तुएँ एक दूसरे पर क्रिया करती हैं। तो इस आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे तरीके से इसे याद कर लीजिएगा। आपके फुल में फुल मार्क्स आने चाहिए विज्ञान सब्जेक्ट में, क्योंकि आप लोग विज्ञान सब्जेक्ट में बहुत कम नंबर ला पाते हो, इसलिए हम पूरे पूरे आपके क्वेश्चन सॉल्व करके लाए हैं। तो इसे आपको अच्छे नंबर लाना है इस विज्ञान सब्जेक्ट में। देख लीजिए मिश्रण एवं यौगिक के तीन अंतर लिखना है। तो इस मिश्रण और यौगिक में तीन अंतर, तो इसे रहा मिश्रण और यौगिक में तीन अंतर। मिश्रण और यौगिक में तीन अंतर ये हैं। तो इस पहला दूसरा तीसरा तीन पॉइंट है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद है 19वां सरल एवं जटिल ऊतक में क्या अंतर है। तो इस तीन अंतर लिखना है। तो इस सरल और जटिल ऊतक के अंतर देख लीजिएगा। पहला हो जाएगा यहाँ पर यह एक तरह से कोशिका का बना होता है और यह एक अधिक प्रकार की कोशिका का बना होता है। यह एक समान कार्य करता है और यह एक से अधिक प्रकार के कार्य करता है। और तीसरा हो जाएगा यह पौधों को सहारा प्रदान करते हैं व भोजन का भंडारण करते हैं और यह संवहन का कार्य करता है। तो इतना आपको लिख देना 19वां का उत्तर, सरल ऊतक और जटिल ऊतक का अंतर कंप्लीट। इसके बाद 20वां में देख लीजिए आपको क्या करना है। कोई क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को कैच करते समय अपने हाथों को पीछे की ओर क्यों खींच लेता है स्पष्ट कीजिए। चलिए यहाँ पर देख लीजिएगा, ये रहा इसका उत्तर। जो गेंद को लपटने में हाथों को दिया गया आवेग इतना दिया हुआ है। तो वैसे यहाँ पर इतना आपको लिख देना 20वां का उत्तर, बिल्कुल फटाफट पूरा पूरा ऐसा सॉल्यूशन, आपका एक भी नंबर नहीं कटने वाला है। सभी क्वेश्चनों के आंसर आपको अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है। इसके बाद इसका जो है 21वां देख लेते हैं। 21वां देखेंगे तो वैसे यहाँ पर ये रहा आपका 21वां, बाष्पीकरण की दर को प्रभावित करने वाले चार कारक। तो इस चार कारक बताना, चलिए यहाँ पर कारक देख लेते हैं। 21वां देख लीजिएगा, ये रहा आपका 21वां। तो इस 21वां काफ़ी लॉन्ग है। तो इस पहले आप जो है 21वां के दो पॉइंटों के स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पहला कारक हो जाएगा दूसरा। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहला दूसरा। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर तीसरा और चौथा। तो यहाँ पर देख लीजिएगा तीसरा है चौथा है, तीसरा चौथा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद 22वां देख लेते हैं। 22वां में देख लीजिए आपको क्या करना है। 22वां में आपको समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन में चार अंतर लिखना है। चलिए समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन में चार अंतर देख लेते हैं आपके। तो इसी रही आपके समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन में चार अंतर देख लीजिएगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन में कई अंतर हैं। तो इस चार अंतर ही देखेंगे, पहला दूसरा यहाँ पर तीसरा चौथा। तो इस जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यहाँ पर आप तीन यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद यहाँ से नीचेगा। तो इसी आपका जो है 22वां हो जाता है। इसके बाद 23वां, 23वां में देख लीजिएगा, थोड़ी जूम आउट कर देते हैं। तो इस देख लीजिएगा 23वां में जो आपको एक क्वेश्चन है इसका हल करके आपको बताना है। चलिए हम इसका हल करके भी आपको बता देते हैं। 23वां का देख लीजिएगा, ये रहा है आपका उत्तर। इसको आपको चित्र को भी बना देना है। तो इसी आप पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अच्छे तरीके से, फिर इस चित्र का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए थोड़ा जूम आउट कर देते ताकि आपको चित्र साफ साफ दिखाई दे। तो इसी आपका जो है 23वां क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है।
तो वैसे ही आपके सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब यार आप लोग फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो है आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे टेलीग्राम चैनल की, तो वही जल्दी से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए सॉल्यूशन का और पेपर का भी। तो वैसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।